क्या किया था भाई लास्ट क्लास में हमने? मेरे तक आवाज नहीं आ रही भाई तुम्हारी। कंज्यूमर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंप्लीट किया था सर। प्रोटेक्शन एक्ट कंप्लीट कर दिया था हमने, आठवां टॉपिक यानी। अच्छा एक ये यस बताओ, सर, टेस्ट में जो पूछा था कुछ यस ऐसा तो सर। नहीं था जो तुम्हें समझ इंट्रोडक्शन में आया हो? है भाई, नो सर, तो आज शुरू करते हैं इंसेक्टिसाइड नो एक्ट सर। 1968। क्यों जरूरी है? क्योंकि हर एक एक्ट का कहीं ना कहीं जिक्र होता है जब भी हम किसी दूसरे एक्ट की बात करते हैं कि भाई वहां से भी आपको रेफर करना है। दूसरा, नाम से ही पता लग रहा है कि इंसेक्टिसाइड्स के बारे में बात करता है ये एक्ट। और ये एक्ट रेगुलेट और गवर्न किया जाता है डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, और इसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, ये इस एक्ट को रेगुलेट करता है। ये मेन इसका मकसद क्या है कि इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल जो है वो सेफ तरीके से किया जाए, और जो भी केमिकल रेजिड्यू प्लांट के अंदर बच जाते हैं इन केमिकल्स के, इंसेक्टिसाइड्स के, उनसे कंज्यूमर की सेहत पे कोई नुकसान ना हो। अब इसमें और एक्ट्स की तरह है, इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर होते हैं, उनके पास कुछ पावर होती है, जैसे फूड इंस्पेक्टर हैं उनके पास पावर होती है। अब उनको फूड सेफ्टी ऑफिसर बोलने लगे, FSO। ऐसे ही जो इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर हैं वो कहीं पे भी एंटर करके सर्च कर सकते हैं किसी की मदद से भी, और जो भी जरूरी वक्त है उसके अंदर जहां पे भी उनको लगता है कि किसी भी ऐसे प्रेमिस में या किसी भी ऐसी बिल्डिंग में कि वहां कोई ऑफेंस किया जा रहा है इस एक्ट के अंदर, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि भाई अगर कोई ऑफेंस किया जा रहा है तो उसको पकड़ना है, तो उस इन्वेस्टिगेशन के लिए जो इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर है उस बिल्डिंग में घुस सकता है, और जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है या लाइसेंस है जो इस एक्ट के अंदर दिए गए हैं, उनमें जिन बातों का जिक्र है वो पालना उनकी की जा रही है या नहीं ये देखने के लिए। फिर प्रोडक्शन को इंस्पेक्ट कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है, उसकी रिकॉर्ड की कॉपी ले सकता है, उनके रजिस्ट्री की कॉपी ले सकता है, जो भी डॉक्यूमेंट मैन्युफैक्चरर ने, डिस्ट्रीब्यूटर ने, कैरियर ने, डीलर ने, जो भी इस एक्ट के अंदर आते हैं बंदे, अगर वो एक्ट के अंदर बनाए हुए रूल्स के मुताबिक नहीं है तो उनको सीज भी कर सकता है। सीज करना मतलब उनको अपने कब्जे में ले सकता है ताकि वो एविडेंस के तौर पे कोर्ट में पेश किए जा सकें। फिर अपनी तरफ से एग्जामिन कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, जो भी उसको ठीक लगेगा इस एक्ट के अंडर, और किसी भी व्हीकल को वो स्टॉप कर सकता है जो इस एक्ट के अंदर जो उसको पावर्स दी गई हैं, किसी भी ऐसे सामान का डिस्ट्रीब्यूशन, सेल या यूज रोक सकता है जो कि उसको लगता है कि इस एक्ट के प्रोविजंस के मुताबिक नहीं है, या जो इसमें रूल बनाए गए हैं उसके मुताबिक नहीं है। वो 20 दिन तक ऐसा कर सकता है जब तक कि केस तैयार ना हो जाए या जो भी है उसका आगे की कार्रवाई ना हो जाए। किसी भी इंसेक्टिसाइड के सैंपल ले सकता है और उन सैंपल को एनालिसिस के लिए भेज सकता है इंसेक्टिसाइड एनालिस्ट के पास, जो भी उसके टेस्ट होने हैं उनके लिए, और इस तरह की और भी पावर्स हैं जो भी उसको जरूरत पड़ती है इस एक्ट को लागू करने के लिए, रूल्स को जो बनाए गए हैं उनको लागू करने के लिए। इसमें जो भी बंदा पकड़ा जाएगा उसके ऊपर CRPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, वो उसके ऊपर अप्लाई होगा, और इसका जो सेक्शन 94 है एक्ट का वो इस बात की पावर देता है इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर को, तो वो अपने साथ पुलिस को ले जा सकता है जैसा कि सेक्शन 42 में बताया है CRPC के, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के। तो
इस एक्ट में बहुत सी चीजें आपको और भी दी गई हैं, ये तो पावर्स बताई हमने सर, कि कौन सा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड उसकी मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट क्या है ये बताई गई है। उससे ज्यादा अगर लिमिट होती है तो उसको वो प्रोड्यूस आपका सेल नहीं हो सकता मार्केट में कंज्यूमर के लिए। तो इस एक्ट के अंदर ही इसके जो रूल्स बनाए गए हैं उसके अंदर ही वो पावर्स वगैरह वो लिमिट्स वगैरह बताई गई है। अगला जो दसवां हमारा टॉपिक है इसमें वो है एगमार्क। एगमार्क जो स्टैंडर्ड्स हैं वो डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो इस डायरेक्टरेट का ये एगमार्क स्टैंडर्ड है। एगमार्क निकला कहां से है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, इससे एगमार्क निकला है। तो ये डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एक्ट था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट 1937 का, उसमें इनको ये पावर दी गई थी कि वो एगमार्क सील देंगे। किसको देंगे? जो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्योरिटी को एंश्योर करेगा। तो क्वालिटी जो डिटरमाइन की गई थी उसके अलग अलग रेफरेंसेस थे, साइज पे, वैरायटी पे, वेट पे, कलर पे, मॉइस्चर पे, फैट कंटेंट या इस तरह के और बहुत से फैक्टर्स। और इसके अंदर पल्सिस आती हैं, सीरियल्स आती हैं, मखाना, वेजिटेबल ऑयल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, रोस्टेड बंगाल ग्राम, वर्मीसेली, मैक्रोनी, स्पैगेटी, ये सारी चीजें इसमें आती हैं कि इनके लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बनाते हैं ये। और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर या स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर या जो कोई भी अथॉरिटी जिसमें ऑथराइज कर रखा है इन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज करती है जिसको भी, अगर उनको लगता है कि अगर किसी बिल्डिंग में ऐसा सामान बनाया जा रहा है जो एगमार्क के मुताबिक नहीं है, उसके ऊपर एगमार्क लगाया जा रहा है, तो वो उनको रोक सकते हैं, सील कर सकते हैं, इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, और ऐसा अगर प्रोडक्ट है तो उसको अपना सीज भी कर सकते हैं और फर्म के ऊपर पेनल्टी भी लगा सकते हैं। ये एगमार्क स्टैंडर्ड के मामले में है। हमारे एक और टॉपिक दिया हुआ है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS, भारतीय मानक ब्यूरो। ये पूरा ब्यूरो है यानी एक अलग से ब्रांच है, ऑटोनोमस बॉडी है जो BIS। हेलो, हेलो हेलो
हेलो। हाँ यार, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। हाँ बोलेंगे बोलेंगे, बीच में डिस्कनेक्शन हो गया था। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग भाई, आज मैंने शेयर ही नहीं किया क्या तुम्हारे साथ ये स्क्रीन? दो टॉपिक पढ़ा दिए, कोई यू ही नहीं बोला कि शेयर नहीं कर रखा जी स्क्रीन। चलो तो BIS की मैं बात कर रहा था भाई। ये बेसिकली इंडिया के अंदर हर इंडस्ट्री के लिए जो भी गवर्न की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उनके लिए स्टैंडर्ड्स बनाने का काम करता है और साथ में मैनेजमेंट सिस्टम्स को सर्टिफिकेशन और लाइसेंस देने का काम करता है। इसका जो भी स्टैंडर्ड मार्क है या सर्टिफिकेशन मार्क है, चाहे वो मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं जैसे जैसे आपका ISO है, ISO 9001 है या ISO 14000 है, तो इस तरह के जो स्टैंडर्ड मार्क हैं या ISI मार्क है अलग अलग स्टैंडर्ड्स के, उनको देने का काम BIS करता है। BIS लाइसेंस देता है।